हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों आज हम बातें करेंगे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और बेल बटम। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है दोस्तों, और सेकेंड जो रिलीज हुई है दोस्तों थिएटर में। दोस्तों बोले तो दोनों रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है दोनों मूवी दोस्तों। और आपको बता दूं कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में स्टार कास्ट बोले तो कड़क है, जैसे अजय देवगन, संजय दत्त, नूरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा, सरक केलकर। अगर हम बेल बटम की स्टार कास्ट की बात करें तो बेल बटम में कोई कड़क स्टार कास्ट नहीं है दोस्तों, अक्षय कुमार के अलावा। और बाकी रहा आदिल हुसैन, तो उनका भी जो कैरेक्टर है ओके, ज़्यादा रोल दिया गया नहीं है मूवी के अंदर दोस्तों। लारा दत्ता, वानी कपूर, ये सब सरे जन का रोल भी खास नहीं है मूवी के अंदर दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों मूवी में सबसे अच्छी मूवी कौन साबित हुई है और लोगों को सबसे अच्छा बोले तो कौन सी लगी है, तो आपको बता दूं कि बेल बटम ऑडियंस को बहुत पसंद पड़ती है दोस्तों। ऑडियंस थिएटर तक आ रहे हैं मूवी देखने। और आपको ये बता दूं कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ऑडियंस को उतनी पसंद नहीं आई है, क्योंकि उसमें थोड़ा बोले तो कहीं ना कहीं मूवी को स्लो बना दिया गया दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों अपनी जगह पर मूवी सही है। फिर भी बेल बटम की बात की जाए तो बेल बटम बहुत अच्छी है दोस्तों, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से। तो आप को कौन सी मूवी अच्छी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।